आज की वीडियो का श्रेय जाता है नीना वर्मा जी के इस कमेंट को। वर्मा जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग बजाज अलायंस लाइफ के इनकम अश्योर प्लान को समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप आज के वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, इनकम अश्योर प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमिताभ शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कैश गेन प्लान की। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस मनी बैक प्लान है, यानी कि आपने जो प्रीमियम कंपनी को दिया वो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होगा, तो बाजार संबंधित जोखिम नहीं होगा। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन कवर बना रहेगा, यानी कि जीवन बीमा रहेगा, यानी कि मृत्यु होने पर नॉमिनी को अमाउंट जरूर दिया जाएगा। इसी के साथ समय समय पे यानी कि निश्चित अंतराल पे आपको गारंटेड मनी बैक दिया जाएगा, जिसे इस प्लान में कैश बेनिफिट कहा गया है। और पॉलिसी टर्म के अंत में बोनस के साथ में लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कैश गेन प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे मनी बैक, जिसको समझने के लिए वीडियो को कर लेंगे हम फुल स्क्रीन पर, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो जो पहला मनी बैक हमें मिलेगा वो पॉलिसी के तीसरे साल के अंत में बेसिक सम अजॉर्ड का 10% मिलेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3-3 साल का यहाँ पे गैप आ रहा है 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। यानी कि दूसरा बेनिफिट कब मिलेगा मनी बैक का, 6 साल के अंत में बेसिक सम अजॉर्ड का 15%। तीसरा जो बेनिफिट मिलेगा कैश बेनिफिट, या जिसे आप मनी बैक कह सकते हैं, वो 9वें साल के अंत में 25% होगा बेसिक सम अजॉर्ड का। चौथा जो कैश बेनिफिट मिलेगा यानी कि जो मनी बैक मिलेगा वो 12वें साल के अंत में मिलेगा 25% बेसिक सम अजॉर्ड का। जैसे ही पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, जो कि बेसिक सम अजॉर्ड का 50% प्लस अक्योर्ड बोनसेस होंगे, यानी कि जो भी बोनस होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मनी बैक के साथ में हमने मैच्योरिटी बेनिफिट भी जान लिए, ओके। अगर आप 20 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म लेंगे तो आपको नजर आएगा कि 4-4 साल के गैप में आपको मनी बैक बेनिफिट मिलेंगे, जिसे कैश बेनिफिट कहा गया। सबसे पहले मिलेगा 4वें साल के अंत में बेसिक सम अजॉर्ड का 10%, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी 8वें साल के अंत में पॉलिसी के बेसिक सम अजॉर्ड का 15%, फिर 12वें साल के अंत में 25% बेसिक सम अजॉर्ड का, फिर 16वें साल के अंत में 25% बेसिक सम अजॉर्ड का, फिर पॉलिसी के 20वें साल के अंत में बेसिक सम अजॉर्ड का 50%, उसके साथ में अक्योर्ड बोनसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप 25 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 5 साल के गैप में आपको मिल जाएंगे कैश बेनिफिट यानी कि मनी बैक। पहली इंस्टॉलमेंट 5वें साल के अंत में 10%, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी मनी बैक की 10वें साल के अंत में 15% बेसिक सम अजॉर्ड का, और तीसरी बार जो मनी बैक मिलेगा वो 25% होगा बेसिक सम अजॉर्ड का पॉलिसी के 15वें साल के अंत में, देन फिर 20वें साल के अंत में भी 25% ही सम अजॉर्ड का, और एंड में 50% बेसिक सम अजॉर्ड का, उसका अक्योर्ड बोनस आपको मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर 30 साल का आपने लिया है पॉलिसी टर्म तो आपको पता चलेगा कि हर 6 साल के अंतराल में आपको मनी बैक बेनिफिट मिलेंगे, परसेंटेज सेम ही है। पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा 6वें साल के अंत में 10% मनी बैक का, दूसरा मिलेगा 12वें साल के अंत में 15%, तीसरा जो मनी बैक का इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा वो 25% होगा बेसिक सम अजॉर्ड का, चौथा भी 25% बेसिक सम अजॉर्ड का पॉलिसी के 24 साल के अंत में, और 30वें साल के अंत में आपको 50% मिल जाएगा सम अजॉर्ड का, साथ अक्योर्ड बोनसेस मिल जाएंगे। तो मनी बैक और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों आप जान चुके हैं। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्लान में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि प्लान के एक से ज्यादा वेरिएंट हैं, लेकिन जो बेस बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वो है सम अजॉर्ड के साथ में वेस्टेज बोनस यानी कि अक्योर्ड बोनसेस। तो प्लान के अंदर 4 ऑप्शन दिखते हैं हमें, इकोनॉमी, गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। अगर आप इकोनॉमी ऑप्शन चुनते हैं तो बेस पैकेज का मतलब है कि डेथ के टाइम पे आपके नॉमिनी को सम अशोर्ड के साथ में वेस्टेज बोनस दे दिया जाएगा, राइट। अब सम अशोर्ड का मतलब है जो सम अशोर्ड आपने प्लान लेते वक्त चुना होगा वही। अगर आपने कैश गेन प्लान का गोल्ड ऑप्शन लिया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है विद डबल प्रोटेक्शन। डबल प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपके सम अशोर्ड का आप डबल कर लीजिए और उसके साथ में जो भी वेस्टेज बोनस होंगे वो। फिर है डायमंड, जो थर्ड ऑप्शन है इसका, अगर ये लिया होगा आपने तो ट्रिपल प्रोटेक्शन यानी कि आपका जो सम अशोर्ड है उसका 3 गुना। जैसे कि मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपने सम अशोर्ड लिया, डेथ हो गई तो नॉमिनी को 2 की जगह 3 लाख रुपए मिलेंगे, 6 लाख रुपए मिलेंगे,
प्लस वेस्टेज बोनस मिल जाएंगे। वहीं अगर प्लेटिनम आपने लिया और 2 लाख रुपए का बेसिक सम मजोर्ड होगा तो 2 × 8 = 8 लाख रुपए का हो गया सम मजोर्ड, उसके साथ में बोनसेस मिल जाएंगे, राइट। बाकी जो मनी बैक बेनिफिट है, मेच्योरिटी बेनिफिट है, वो सेम ही है। अब हम जानेंगे यहाँ पे बोनस के बारे में कि बोनस का रेट क्या है और बोनस से संबंधित कुछ जानकारी भी। समझने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही देखना, हाई रेजोल्यूशन पे ही देखना, तभी क्लियरली समझ आएगा। तो आपको नजर आएगा कि जो रिवर्सनरी बोनस है उसे इंश्योरेंस कंपनी हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में अगर अनाउंस करती है तो निश्चित रूप से आपको 1% के रूप में पे किया जाएगा। वह प्रतिशत आपके सम अशोर्ड के साथ में आपको जो पहले से बोनस अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, उसका भी एक निश्चित प्रतिशत होगा। यानी कि यह कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस हम इसको कह सकते हैं, राइट, क्योंकि सम अशोर्ड के साथ में बोनस भी ऐड हो रहा है, उसके ऊपर रेट मिल रहा है। इंटरिम बोनस के बारे में कहा गया है कि मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन किस चीज पे की जाएगी इसकी, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या डेथ के समय जो रेट होगा वही अप्लाई होगा। अब होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। टर्मिनल बोनस के केस में भी यही कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ इवेंट जो होगा वो मिल जाएगा। कम से कम 15 साल कंप्लीट होने चाहिए पॉलिसी के, तभी मिलेगा, और प्रीमियम सारे पे करे हों। इस पे कैलकुलेशन होगी, ये चीज क्लियर नहीं है। अब वर्मा जी ने कहा है कि 15 साल का इनका लिया है इन्होंने यहाँ पे पॉलिसी टर्म, और 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे सम अशोर्ड लिया हुआ है। हर 3 साल के गैप में इनको मनी बैक मिल रहा है। मैच्योरिटी बेनिफिट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बोनस रेट जानना होगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो इस समय जो लिंक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह लिंक आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो पेज आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। वहां पे आपको पता चलेगा कि जो कैश गेन प्लान है उसका जो रिवर्सनरी बोनस का रेट है वो है 2.5%, और इंटरिम बोनस का जो रेट है वो भी 2.5% है, और टर्मिनल बोनस का जो रेट है वो 2.40% है। तो यहाँ पे तीनों ही बोनस का रेट हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अब देखिए बोनस रेट कभी एक सा नहीं रहता, ये कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2.5% दिख रहा है तो हम यहाँ पे 2.5% ही मान के चल रहे हैं। यानी कि जो हमारा सम अशोर्ड है 1.5 लाख रुपए का, उसका अगर हम कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस 2.5% की दर से अगर निकालेंगे, 2.5% की दर से निकालेंगे, और उसमें हम 15 का गुणा कर देंगे क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है यहाँ पे, तो 67,244.60 यानी कि 67,244 रुपए 60 पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। ये बोनस हो गया। मैच्योरिटी पे क्या मिलना था, बेसिक सम अशोर्ड का 50% जो कि 75,000 हो गया। अब हम इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आ जाएगा, जिसे आप कंफर्म सा मान सकते हो, होगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मान सकते हो, वो 1,42,244 रुपए 60 पैसे होगा। अब इसके साथ में अगर हम ये मान लें कि इंटरिम बोनस का जो रेट है 2.5% वो हमारा बेस सम अशोर्ड पे लागू हो गया, तो आप 1.5 लाख का 2.5% और ऐड कर लीजिएगा। और जो टर्मिनल बोनस का रेट है 2.40%, अगर इसकी कैलकुलेशन भी अगर हम सम अशोर्ड पे ही मान लें तो आप 1.5 लाख का 2.40% और ऐड कर लीजिएगा, राइट। बाकी एग्जैक्टली इन बोनस के बारे में कंपनी ही आपको कंफर्मेशन दे सकती है। तो इस तरीके से आप बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए नहीं बताया, ये प्लान कंपनी विड्रॉल कर चुकी है, तो इस वजह से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम नहीं शेयर कर पा रहे हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और प्लान लेते वक्त प्रीमियम पेमेंट हम उतना ही चुने जितना आपको सूट करता हो, राइट, क्योंकि सरेंडर करने पे आप